Good morning, everyone. So in last class we have discussed about the mean, how to find mean by direct method, and the second one is to find the mean by assumed mean method. ये सारे optional हैं, आप directly आप उससे भी बना सकते हैं, direct method use कर सकते हैं. Assumed mean मेथड, ठीक है. इस मेथड को समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से बेहतर समझेंगे. हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ताकि आपको बनाने में, समझने में आसानी हो, ठीक है. फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड इज ए प्लस, या आप स्मॉल ए यूज करोगे या कैपिटल ए यूज करोगे. दिस इज जस्ट फॉर अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मार्क्स या अज्यूम्ड नंबर, ठीक है. प्लस सिग्मा एफ आई, वहां एक्स आई था, यहां पे डी आई है, अपॉन सिग्मा एफ आई. अब ये डी क्या है भाई? डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, ठीक है ना. हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे बेहतर समझेंगे, ठीक है. यूजिंग दिस मेथड, सॉरी, यूजिंग द अज्यूम्ड मीन मेथड, फाइंड द मीन डेली अर्निंग, find the mean daily earning of a worker from the following frequency डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना. सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है लाइव क्लास में भी, और सेम क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो में भी, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है. ये है टेबल जो गिवन है आपका, डेली अर्निंग इन रुपीज, ठीक है. नंबर ऑफ वर्कर्स, ये गिवन है आपका टेबल, 25 8 वर्कर्स, 75 15 वर्कर्स, 125 32 वर्कर्स, 175 26 वर्कर्स, 225 12 वर्कर्स, एंड दिस इज 275 7 वर्कर्स, ठीक है. अब यहां क्या है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को एक टेबल प्रिपेयर करना है जैसे वहां करते थे, लेकिन यहां पे जो टेबल होगा, ये हम टेबल बनाने जा रहे हैं, इसमें बड़े ध्यान से आप देखिएगा इस टेबल में क्या करना है, उससे क्या डिफरेंस है इसमें. वहां तीन बॉक्सेस होते थे, ठीक है, और यहां हम यूज करेंगे चार बॉक्सेस, ठीक है. ध्यान से देखिए, दिस बॉक्स इज फॉर एक्स आई, दिस इज फॉर एफ आई, एंड दिस इज फॉर डी आई, ठीक है. अब हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे. 25 इसकी फ्रीक्वेंसी 8, 75 उसकी फ्रीक्वेंसी 15, 125 उसकी फ्रीक्वेंसी 32, 175 उसकी फ्रीक्वेंसी 26, 225 उसकी फ्रीक्वेंसी 12, 275 उसकी फ्रीक्वेंसी 7, ठीक है ना. अब यहां करना क्या होता है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, इन सब में से किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन आप ले सकते हैं किसी को भी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बीच वाले में आए.
यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो बीच में है वो 3 या 4, 3 या 4 में से किसी को आप अज्यूम कर लो। जैसे आपने 125 को अज्यूम कर लिया, दिस इज द अज्यूम्ड मीन। ठीक है, यहाँ पे हमने ए लिख दिया, दैट इज वी हैव अज्यूम्ड दिस 125 एज द मीन। अब ये डेविएशन डीआई क्या है? डीआई इज एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस दैट अज्यूम्ड मीन। अब देखिए यहां पे अगर हम एक्स आई की बात करें, एक्स आई यहां का क्या है? 25 है, और अज्यूम्ड मीन सबके लिए 125 ही होगा। तो 25 में से 125 माइनस किए, दैट इज माइनस 100। वैसे ही 75 में से 125 माइनस करेंगे, दैट इज माइनस 50। 125 में से ही 125 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी 0। 175 में से 125 माइनस करेंगे, दैट इज 50। 225 में से 125 माइनस करेंगे, दैट इज 100। और 275 में से 125 माइनस करेंगे, दैट इज 150। होप ये समझ में आया सबको। डीआई हमने सारे का निकाल लिया, सारे का डेविएशन हमने निकाल लिया। अब यहां जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज एफ आई इंटू नॉट एक्स आई, एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, अब देखिए 8 इंटू माइनस 100 इज माइनस 800, 15 इंटू माइनस 50 इज माइनस 750। ठीक है, होप सबके समझ में आ रहा है। 32 इंटू 0 इज 0, 26 इंटू 50 इज 1300। क्लियर है, 12 इंटू 100 इज 1200, एंड 7 इंटू 150 इज 1050। क्लियर, सबके समझ में आया होगा। अब यहां हम इसको ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई। यहां हम बनाते हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1550, वो भी माइनस में, ये तो जीरो ही है, और इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बी 3550। ठीक है, ये प्लस में आएगा, क्योंकि ये तीनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में था, इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बी रिजल्ट विल बी 2000। सिग्मा एफ आई डी आई का रिजल्ट क्या आया? 2000 आया। और यहां हम निकालते हैं सिग्मा ऑफ एफ आई, दैट इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करोगे, द रिजल्ट विल बी 100। ठीक है, अब हम लोगों को मीन निकालना है, तो हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने आपको पहले बताया, अज्यूम्ड मीन का फार्मूला। ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे हम, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, दैट इज ए। हमने ए यहां पे क्या लिया था, अज्यूम क्या किया था, 125 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हमने क्या निकाला है, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई क्या आया है, दिस इज 2000 अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल हुआ, 125 प्लस 20 दैट इज 145। दिस इज द रिजल्ट, एंड दिस इज द रिजल्ट बाय द अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें करना क्या है, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड में सिंपल जो क्वेश्चन है वो, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, एफ आई एक्स आई का देखिए बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक किसी को भी, एक्स आई में से एक किसी को भी हम मान सकते हैं, आप चाहो तो इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट विल बी सेम। तो हमने अज्यूम यहां किया 125 को, और उससे हमने निकाला इसका डेविएशन डी आई। डी आई इज वॉट, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई माइनस ए किए, वो हमने कर लिया, और फिर हम करेंगे यहां कैलकुलेट सिग्मा, सॉरी एफ आई इंटू डी आई, सारे का एफ आई इंटू डी आई निकाले, और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हमने निकाल लिया, यहां सिग्मा ऑफ एफ आई निकालेंगे, और उसी को डायरेक्टली हमने फॉर्मूले पे पुट कर दिया, एंड वी गॉट द रिजल्ट। ठीक है, उप सबके समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम वही काम करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे और एक क्वेश्चन हम यूज कर लेंगे। स्टेप
डेविएशन मेथड, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट चूंकि है ये इसलिए हम लोगों को जानना भी जरूरी है, ठीक है। अब यहां क्या है, आप देखिएगा यहां पे हम लोग मीन जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, मीन जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई है, ठीक है। आप समझिएगा सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, लेकिन इसको आप एक मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एच, एच से आप स्मॉल एच से आप मल्टीप्लाई करोगे, और उसके पहले आप एक ए इसमें ऐड करोगे, दिस इज एज्यूम्ड वन, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि है क्या ये बेसिकली, ठीक है। यहां क्या हुआ, फॉर्मूला इज ए प्लस एच इन टू सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इन या ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप ध्यान से देखते जाइए, केवल क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबल इज गिवन 60 वर्कर्स का सैलरी इन रुपीज, दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब एक्स आई के जगह पे सैलरी इन रुपीज और एफ आई के जगह पे नंबर ऑफ वर्कर्स। 3000 वाले कितने हैं भाई, 16 हैं। 4000 वाले कितने हैं भाई, 12 है। 5000 वाले कितने हैं भाई, 10 है। 6000 वाले कितने हैं भाई, 8 है। 7000 वाले कितने हैं भाई, 6 है। 8000 वाले कितने हैं भाई, 4 है। 9000 वाले कितने हैं, 3 हैं। और 10000 वाले कितने हैं, 1 है, ठीक है। दिस इज द टेबल गिवन and we have to now find out the mean salary of 60 workers by the assumed mean method, sorry step deviation method. Achha, ab isme hum aapko batate jayenge, aap dhyan se sunte jayiyega. Yahan jo hum table prepare karne ja rahe hain, usko bade dhyan se aap dekhiyega. First is सैलरी इन रुपीज, सेकेंड इज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स आई, ये हो गया आपका एफ आई, ठीक है। द थर्ड वन इज डी आई, डी आई हमने अभी जस्ट बताया था आपको लास्ट अज्यूम्ड मीन मेथड में, एक्स आई माइनस ए दैट इज डी आई। और अब आपको हम बताने जा रहे हैं द नेक्स्ट वन स्टेप इज यू आई, यू आई क्या है, यू आई क्या होता है वो आप समझिएगा, डी आई अपॉन एच, एच क्या है, जहां एच इज वॉट, एच इज हम यहां पे लिख देते हैं आपको, एच इज अ नंबर H is a supposed number from which DI is completely
डिविजिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीआई सबसे पहले हम पुट करना शुरू करते हैं। तो 3000 है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 16 है, 4000 की फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है, 5000 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 6000 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 7000 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 8000 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 9000 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 10000 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, इतना सबके समझ में आ गया होगा, ये तो जो दिया हुआ है वही हमने लिख दिया। अब डीआई हम कैसे निकालते हैं भाई, डीआई हम कैसे निकालते थे, बीच का किसी को भी हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हम इस 5000 को हम अज्यूम कर लेते हैं मीन के लिए, अज्यूम्ड मीन स्मॉल ऐसे हम यहां डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो डीआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी 3000 माइनस 5000 दैट इज इक्वल टू माइनस 2000। उसी तरह से 4000 माइनस 5000 इज माइनस 1000, वैसे ही 5000 माइनस 5000 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो 5000 को ही हमने अज्यूम किया है। उसी तरह से 6000 माइनस 5000 दैट इज 1000। अच्छा, इसमें आप अज्यूम किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 7000 माइनस 5000 इज 2000, 8000 माइनस 5000 3000, 9000 माइनस 5000 इज 4000, 10000 माइनस 5000 इज 5000। अब आप ध्यान से देखोगे ये सारे 1000 में है, ठीक है। अगर हम इसी में से इसका एलसीएम अगर ले लें, या हम कह दें कि कोई एक नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं एच के लिए जो जिससे ये सारे डिविजिबल हो जाए डीआई, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा। हम एच को 1000 मान लेते हैं से, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखोगे डीआई, इसका हम डीआई बाई एच आई करते हैं, यानी 2000 माइनस 2000 बाई 1000 दैट इज माइनस 2, माइनस 1000 बाई 1000 दैट इज माइनस 1, 0 बाई 1000 दैट इज 0, 1000 बाई 1000 दैट इज 1, 2000 बाई 1000 दैट इज 2, 3000 बाई 1000 दैट इज 3, उसी तरह से 4, उसी तरह से 5। ये सबके समझ में आया। हमने क्या किया, हमने किया h मान लिया हमने 1000, ठीक है। तो ये जो di आता गया सारे का, जो d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 आया, इन सब को हमने h से डिवाइड किया। h यानी इस 1000 से माइनस 2000 को किए माइनस 2 आया, इसी 1000 से माइनस 1000 को किए माइनस 1 आया, सारे को कर लिए, ठीक है। अब ये आसान हो गया, दिस इज ui। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, fi इंटू ui, 16 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 32, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12, 10 इंटू 0 दैट इज 0, 8 इंटू 1 दैट इज 8, 6 इंटू 2 दैट इज 12, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड 1 इंटू 5 दैट इज 5। देखिए ये यहां से यहां तक पॉजिटिव है और ये दोनों केवल नेगेटिव है, तो माइनस 44 और इन सबको हम ऐड करेंगे तो 12 3 जा 36 एंड 8 दैट इज 44 एंड 5 49 प्लस 49, 49 में से 44 माइनस कर लेते हैं और प्लस 5, रिजल्ट विल बी सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई इज व्हाट प्लस 5, ठीक है। और उसी तरह से हम सिग्मा ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई 60 वर्कर्स थे, 60 आ गया। अब डायरेक्टली हम इसको फॉर्मूला पे पुट करते हैं, होप सबके समझ में आ रहा होगा। ये देखिए तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। ए अज्यूम हमने क्या किया था, अज्यूम हमने किया था 5000 को, यहां लिखेंगे 5000 प्लस हाइट हमने कितना, एच हमने कितना मान लिया था 1000
और सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई क्या आया, 5 अपॉन एफ आई क्या आया, सिग्मा ऑफ एफ आई 60। अब ये सॉल्व करते हैं हम, 5000 प्लस 1000 इंटू 5 अपॉन 60, 00 कैंसिल हुआ और ये आएगा 5000 प्लस 250 अपॉन 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम, इसी को लिख देते हैं डायरेक्टली, हेंस द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इज रुपीज 15,250 अपॉन 3। कैलकुलेट कर लेते हैं, 15,250 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 5,083.3। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने आपको मीन का सारा मेथड्स बता दिया, अब आप एनसीईआरटी से या आरएस अग्रवाल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी से ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मीन। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन एंड मोड। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।